और अब उनको सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं उत्तराखंडी टोपी पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है और तस्वीरें दिखा रहे हैं FRI ग्राउंड यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कार्यक्रम में इस वक्त गृह मंत्री को आप देख सकते हैं। तो आज दूसरा दिन है, अंतिम दिन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो परंपरागत टोपी है वो पहनाया है, शॉल भेंट की है, अमित शाह का वेलकम किया है, स्वागत किया है। आज इनका संबोधन भी यहां से होगा और आप बलूनी जी को भी देख सकते हैं, उनका भी स्वागत सत्कार किया गया है। तसर सिल्क वर्म द्वारा तैयार किए गए रेशम को हथकरघों पर बुनकर हमारी ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की गई है। तो स्वागत के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूं। देखिए उस शॉल को जिसको पहनाया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उसके बारे में भी बताया कि उत्तराखंड के जो ग्रामीण हैं उन्होंने उस शॉल को बुनकर तैयार किया। अमित शाह ने उन्हें देखा भी और इस तरह से उत्तराखंड के प्रोडक्ट को एक नई पहचान मिल रही है, खासतौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो इस वक्त उत्तराखंड में हलचल है। जो वहाँ के निवेशक हैं, जो स्थानीय कारोबारी हैं, वो तो खुशी हैं। जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं निवेशक, उनको भी मोदी गारंटी दी गई है कि अगर वहाँ पर तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है यानी कि उत्तराखंड में, तो आप यहाँ आइए, निवेश करिए। और निवेशकों में भी खासा उत्साह उत्तराखंड को देखने को लेकर मिल रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जबकि गृहमंत्री अमित शाह का वेलकम किया गया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, परंपरागत टोपी और वहाँ के बुनकरों द्वारा बनाई गई शॉल भेंट की गई, उनका स्वागत किया गया। अनिल बलूनी को भी हमने देखा कि किस तरह से उनका स्वागत भी वहाँ पर किया गया है। और अब आज यहाँ से संबोधन भी गृहमंत्री का होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बहुत लोगों से आह्वान किया था कि उत्तराखंड में संभावनाएं अपार है, यहाँ पर आइए। इसके अलावा मेक इन इंडिया की तरह वेडिंग इंडिया की भी बात प्रधानमंत्री ने की थी। अब देखना होगा कि आज गृह मंत्री जब यहाँ से उनका संबोधन होता है तो वो किस बात का जिक्र करते हैं, वो किस तरह से उत्तराखंड को आगे ले जाने की बात करते हैं, केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को किस तरह से सहायता मिलेगी उसकी बात करते हैं, वो सुनने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीर जब वेलकम किया गया था गृह मंत्री का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, परंपरागत टोपी ये कैप हमने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगाया था और शॉल जो वहाँ के बुनकरों ने बनाया उस शॉल को भी भेंट किया गया। और अब कुछ देर में उनका संबोधन भी होगा, इसके बाद कहा जा रहा है कि स्टॉल में भी जाएंगे, जो स्टॉल वहाँ पर लगाया गया है, जो व्यापारी अपने अपने स्टॉल के साथ यहाँ पर पहुँचे उनसे बातचीत भी होगी, संबोधन भी होगा और उत्तराखंड आगे आने वाले समय में किस तरह से एक उभरता हुआ राज्य बनने वाला है इसकी बात भी जरूर आज यहां से गृहमंत्री कर सकते हैं। तो निवेश की बहार है यहां पर और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जहां तक बात की जाए, एक बड़ा आयोजन इस वक्त देहरादून में हो रहा है, उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत सफल आयोजन इसे कहा जा सकता है क्योंकि जो टारगेट रखा गया था सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से वो टारगेट कहा जा रहा है कि करीब करीब हमने पूरा कर लिया है। और अब जिस तरह से यहाँ पर रोजी रोजगार, अगर यहाँ पर नौकरियां फैक्ट्रियां लगती हैं तो नौकरियां भी मुहैया होंगी, रोजी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जो पहाड़ से पलायन की एक जो त्रासदी है लगातार उत्तराखंड झेलता आया है वो खत्म होगा, तो इन सब लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये इन्वेस्टर समिट हो जाता है। इसलिए इसे सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी प्रदेश सरकार की तरफ से। सुनील और प्रभात भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत सम्मान किया गया है पारंपरिक टोपी और शॉल देकर। आज जब इनका संबोधन होगा, कल हमने देखा था प्रधानमंत्री किस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड के लिए बहुत सारी बातें कही थी, तो हम ये मान के चले कि आज जब गृह मंत्री का संबोधन भी होगा तो उत्तराखंड के लिए बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएगी। मारो है पिछले दो दिन से जो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा था, एक बड़ी बात ये रही कि 2.5 लाख करोड़ का जो टारगेट था वो करीब 4 लाख करोड़ तक का पहुँच गया, यानी कि 4 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट MOU है वो साइन किए जा चुके हैं। आज भी अलग अलग डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट एंड अलाइड सेक्टर के साथ साथ टूरिज्म, आयुष और कोऑपरेटिव सेक्टर के अलग अलग सेशन यहाँ पर हुए हैं।
अकेले टूरिज्म डिपार्टमेंट में 33,000 करोड़ के MOU आज साइन किए गए अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो हम टूरिज्म की बात करें या फिर एडवेंचर टूरिज्म की बात करें। इसी तरह से फॉरेस्ट में 1,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए, और इसके अलावा फॉरेस्ट के भी जो अलग अलग एलाइड सेक्शन हैं उनमें भी बातचीत हुई है, और जो जानकारी हमें मिली है जो इन्वेस्टर है उन्होंने बहुत रुचि इसमें दिखाई है। अब यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुँचे हैं, उनके साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख सकते हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी का संबोधन चल रहा है, उसके बाद करीब 3 से 4 उद्योगपतियों का संबोधन होगा, फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन रखेंगे, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यहाँ पर संबोधन होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा इन्वेस्टर समिट रहा, ये उत्तराखंड के लिए एक माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। 4 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, सरकार का टारगेट था 2.5 लाख करोड़ के MOU का, और इससे भी बड़ी बात यह है कि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो हमें मान सकते हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए ये जो इन्वेस्टर समिट है एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि अब हर 2 साल में उत्तराखंड में इसी तरह से ग्लोबल मीट बुलाई जाएगी, इन्वेस्टर मीट बुलाई जाएगी, ताकि उत्तराखंड का जो विकास है उसको और आगे बढ़ाया जा सके। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, अभी इसकी पूरी डिटेल आनी बाकी है, पूरी ब्रीफिंग होनी बाकी है, क्योंकि जो अदर डिपार्टमेंट हैं, चाहे हम आयुष की बात करें, कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करें, इस सेक्टर में जो MOU होने हैं इनकी डिटेल अभी नहीं आई है, लेकिन टोटलिटी में ये जानकारी दी गई है कि करीब 4 लाख करोड़ के MOU करने में सरकार सफल रही है। बिल्कुल, 4 लाख करोड़ के MOU को साइन करने में उत्तराखंड सरकार सफल रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तराखंड के लिहाज से भी, क्योंकि अगर निवेश आएगा, रोजी रोजगार यहां पर बढ़ेगा, तो सबके चेहरे भी खिलेंगे, पलायन की समस्या भी दूर होगी। और खास तौर पर अगर सुनील बात की जाए, उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं व्यापार के लिए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वो आज तक मुहैया वहां पर नहीं हुई, इसलिए इन्वेस्टर भी लगातार यहां से हाथ खींचते रहे। लेकिन कल प्रधानमंत्री को भी हमने सुना कि किस तरह से जो रोड है या रेल है उसको किस तरह से विस्तारीकरण उसका किया जा रहा है, ताकि व्यापार करने में बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, और ये भरोसा जताया गया वहां पर निवेशकों में। देखिए बिल्कुल, और खासकर रोजी रोटी की जहाँ तक आपने बात कही, कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बाकायदा इन्वेस्टर्स को एक गारंटी दी कि वो इस बात की गारंटी देते हैं, इन्वेस्टर को भी, उत्तराखंड के लोगों को भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक जो एक कहावत थी, जो ये माना जाता था कि पहाड़ की पानी और जवानी पहाड़ में नहीं ठहरती, पहाड़ का जो जवान है, पहाड़ का जो यूथ है, वो नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में चला जाता है, पहाड़ से माइग्रेट हो जाता है, और जो पहाड़ का पानी है वो मैदानी क्षेत्रों में बह जाता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस बात की गारंटी देते हैं कि पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। इसका इम्पैक्ट आप देखने को भी मिला कि निवेशकों का भरोसा उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से 4 लाख करोड़ के MOU उत्तराखंड में हुए हैं, इन्वेस्टर ने यहाँ पर किए हैं, वो एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सरकार ने जब 2.5 लाख करोड़ के टारगेट तय किया था तो बहुत सोच समझ कर किया था कि हम 2.5 लाख करोड़ के MOU कर पाएंगे इस अवधि में, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा, जो सरकार ने उम्मीद की थी उससे भी कहीं ज़्यादा MOU यहाँ पर साइन हुए हैं, और ख़ासकर उन सेक्टर में जो अधिक से अधिक यहाँ पर रोजगार पैदा कर सकें, उत्तराखंड के अनुकूल यहाँ पर हों, जैसे इको टूरिज्म की अगर हम बात करें, या अदर, कल जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में यहाँ पर खड़ा हो, इसकी कोशिश की जानी चाहिए, तो इस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टर हैं वो आगे आए हैं, और इसी तरह से उम्मीद की जा रही है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ये उत्तराखंड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जाए, निवेशकों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, निवेशकों ने भी अपना इंटरेस्ट उत्तराखंड में दिखाया है सुनील, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे जो उद्योग है वहां पर, जो परंपरागत तरीके से अपने अपने घरों में लोग करते हैं, वो भी आज तक बहुत हद तक उनको मार्केट नहीं मिल पाया या वैसा बाजार नहीं मिल पाया जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से बेच सके। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है उन्होंने मार्केट मुहैया कराया है। कल हमने देखा हाउस ऑफ हिमालयन करके एक जो उत्तराखंड का ब्रांड है उसे भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, यानी जो अब तक घरेलू उत्पाद थे जो वहां पर बनने वाले थे उसे भी एक मार्केट और उसे भी एक पहचान देने की कोशिश।
बिल्कुल, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कल हमने अपने दर्शकों को इस पर खबर भी दिखाई थी कि पहाड़ में एक टिमरू होता है जो आमतौर पर झाड़ियों की तरह उगता है, जंगल में झाड़ियों की तरह फैल जाता है। उस टिमरू का किस तरह से यहाँ पर व्यावसायिक दोहन की तैयारी है, जब हमने जो पौधा सगंध केंद्र है जो टिमरू पर काम कर रहा है उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम 500 एकड़ लैंड पर टिमरू उगाने जा रहे हैं, यानी कि जो टिमरू अभी तक जंगलों में झाड़ी के तौर पर उगता था ऐसे ही पड़ा रहता था, उस टिमरू का भी व्यावसायिक दोहन अब उत्तराखंड में किया जाने लगा है। उससे जो महंगी परफ्यूम तैयार की गई थी वो कल प्रधानमंत्री को भी भेंट की गई, तो इस बात का उदाहरण है कि उत्तराखंड में अब चाहे कुटीर उद्योग हों, चाहे लघु उद्योग हों या फिर बड़े उद्योग हों, किस तरह से धीरे धीरे विस्तार लेते जा रहे हैं और सरकार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर चल रहा है, जो 4 लाख करोड़ के MOU यहाँ पर साइन हुए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की ठोस प्लानिंग रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जब सरकार तैयारियां कर रही थी, सबसे पहले सरकार ने अपने विभाग की जो पॉलिसियां हैं वो चेंज की, जिन डिपार्टमेंट में पॉलिसी नहीं थी वहां पर नई पॉलिसियां बनाई, करीब 27 पॉलिसी ऐसी थी जिनमें सरकार ने संशोधन किया वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप, यानी कि उद्योग और उद्योगपतियों के लिए सरकार ने रेड कॉर्पेट बिछाने का काम किया और उसी का कारण रहा कि सरकार का जो टारगेट था उससे कहीं ज़्यादा 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU यहाँ पर साइन हुए हैं। इसके साथ साथ सरकार ने बहुत सारी नई पॉलिसियाँ भी बनाई, पंप स्टोरेज पॉलिसी सरकार पहली बार उत्तराखंड में लाई और आपने देखा कि पंप स्टोरेज पॉलिसी में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU यहाँ पर साइन हुआ है और जिस तरह से जिंदल ग्रुप ने कहा कि वो अगले 5 से 6 सालों में 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा और करीब 1500 मेगावाट इससे बिजली का उत्पादन होगा, तो एक बड़ा अचीवमेंट है कि सरकार ने अपनी नीतियों में चेंज किया वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप, उद्योगों के अनुरूप, कि ताकि उत्तराखंड में यहाँ पर उद्योग आएँ और उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत हो, उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड की पानी और जवानी पहाड़ में रुके। और यही कारण रहा कि जो उद्योगपति हैं देश दुनिया के उन्होंने उत्तराखंड में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। आप मेरे पीछे अभी भी देख सकते हैं कि जहाँ हॉल में अभी अमित शाह मौजूद हैं, समापन समारोह चल रहा है, लेकिन हॉल के बाहर भी आपको लंबा चौड़ा मेला लगता हुआ दिखाई देगा। इसमें तमाम लोग हैं, इन्वेस्टर भी इसमें हैं, कुछ दर्शक भी इसमें हैं, कुछ नए स्टूडेंट भी हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, MBA सेक्टर से जुड़े हुए हैं कि अन्य सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो नीतियाँ जो पॉलिसीज़ अपनी हैं वो किस तरह की पॉलिसीज़ है, क्या है, क्या उनमें उनके लिए रोज़गार की कुछ संभावनाएँ बनती हैं। हमारी बहुत सारे इन्वेस्टर से बातचीत हुई जो चेन्नई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, मुंबई से आए हैं, गुजरात से आए हैं, और जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कैसी है, क्या पॉलिसी है, उनको जानने हम उत्तराखंड आए हैं और हम उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यानी कि एक उत्साह का माहौल बना है और उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का वो हार्ड वर्किंग रही है, वो रोड मैप रहा है जो सरकार ने इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले यहाँ पर जो परिस्थितियाँ तैयार की, खासकर कल प्रधानमंत्री का जो लाजवाब भाषण यहाँ पर रहा उसके बाद खासकर निवेशकों में बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सुनील, अगर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो पर्यटन है उसी से सबसे ज़्यादा अच्छा खासा पैसा आता है, या फिर कह लीजिए कि पर्यटन से ही उत्तराखंड का सबसे बड़ा सोर्स है पैसे आने का। लेकिन इस बार जब हमने देखा ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें सिर्फ पर्यटन पर जोर नहीं दिया गया, पर्यटन के अलावा ऊर्जा पर, एजुकेशन पर, हर वो सेक्टर पर जोर दिया गया जिसकी संभावनाएं यहां पर बन सकती है। यानी सिर्फ पर्यटन ही नहीं, पर्यटन को भी और आगे बढ़ाया जाए, साथ ही बाकी सेक्टर में किस तरह से और ज्यादा संभावनाएं हैं उस पर भी खास फोकस रहा, उन सब पर बात हुई, उन सब पर MOU साइन हुआ और इस पर अभी बात चल रही है कि और क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल नीलू, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, इससे पहले कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। सर आप कहाँ से हैं? जी मैं आचार्य डॉक्टर चंडी प्रसाद घिल्याल हूँ। आप यहाँ इन्वेस्टर समिट में आए हैं? जी मैं शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर आया हूँ संभावनाएं तलाशने के लिए। भविष्य की कितना बड़ा समिट यहाँ पर आयोजित किया गया है, भविष्य की संभावनाएं, मैं दोनों दिन विभिन्न समितियों के साथ में रहा हूँ और मुझे अपार प्रसन्नता है इस बात की कि आदरणीय मोदी जी ने तो जैसे कि मैं समझता हूँ कि वास्तव में वे इंसान नहीं एक फरिश्ता हैं, ऐसा उत्तराखंड में इस प्रकार निवेश के लिए भविष्य की संभावनाएं, मेरा दृढ़ विश्वास हुआ है यहाँ सुन करके कि शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, विशेष रूप से संस्कृत शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ इसमें पिटारा खुलेगा। पतंजलि योग पीठ
की तरफ से बहुत बड़ा निवेश होने जा रहा है और अडानी जी की तरफ से, रतन टाटा जी की तरफ से, तो मुझे लगता है कि शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के लिए भी उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ बहुत कुछ होगा। तो देखिए लोगों में किस तरह से उत्साह का संचार हुआ है प्रधानमंत्री को सुनने के बाद, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो अचीवमेंट है उसको देखने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक उत्साह का संचार हुआ है कि उत्तराखंड का जो भविष्य है वो आपको दिखाई देगा। कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 2025 जब उत्तराखंड अपना सिल्वर जुबली वर्ष मना रहा होगा, अपनी स्थापना के 25 साल मना रहा होगा, उस समय उत्तराखंड देश के सर्वांगीण राज्य में होगा। आज हम देखते हैं उत्तराखंड में जो टूरिज्म है, सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, जैसे आपने कहा कि सिर्फ पर्यटन ही नहीं, अन्य तमाम सेक्टर में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ निवेश हुआ है। हाइड्रो पावर के क्षेत्र में सबसे अधिक जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया है, हाइड्रो पावर के क्षेत्र में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आया है। खासकर एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है, क्योंकि अभी तक ये देखा जाता था कि उत्तराखंड की जिस तरह से भौगोलिकी है, पहाड़ और मैदान का क्षेत्र है, अभी तक जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो मैदानी क्षेत्रों में हुआ करता था, और इसके चलते एक तरह से असंतुलन की स्थिति यहाँ पर बन रही थी कि उत्तराखंड के जो खासकर तीन मैदानी जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, यहीं पर अधिकांश उद्योग यहीं पर थे, जो अपना बजट है उसका अधिकांश खर्चा इन्हीं तीन राज्यों पर होता था, शेष जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर उद्योग चढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को इस मायने में भी याद रखा जाएगा, इस मायने में भी गिना जाएगा कि इसमें पहाड़ों के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट आया है, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, स्कूल एजुकेशन की बात करें, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, इसमें पहाड़ों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे कि जो बात कर रहे थे संस्कृति शिक्षा की, यहाँ पर एजुकेशन के सेक्टर में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है, चाहे वो आंगनबाड़ी की बात हो या फिर न्यू स्कूल एजुकेशन में कुछ जो चेंजेज होने हैं, जो डिजिटलाइजेशन होना है उसके क्षेत्र में भी यहाँ पर बड़ा निवेश हुआ है। हेल्थ सेक्टर में आबू धाबी की एक कंपनी के साथ यहाँ पर करार हुआ है, जो PPP मोड में उत्तराखंड के 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेगी, तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। एक वो उत्तराखंड था जब आपको पहाड़ों में रेल चढ़ाने के लिए सोचना पड़ता था, पहाड़ों में अगर ज़्यादा बड़ी बसें नहीं जा पाती थी, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, लेकिन एक आज का उत्तराखंड है जहाँ आपको चारों धामों में जाने के लिए 4-लेन सड़क मिलेगी, जहाँ आप आज ऋषिकेश, कर्णप्रयाग जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र में भी ट्रेन गुजरते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, तो उत्तराखंड विकास के रास्ते पर अग्रसर।